सो गाइज, आज मैं आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने के कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। एक्चुअली ये जो शॉर्टकट है बहुत ही कमाल का है। अगर आप कोई न्यू फोल्डर कहीं पे भी क्रिएट करना चाहते हो, सिंपल सा क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा न्यू के ऑप्शन पे जाते हो। न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर सिंपली सी फोल्डर के ऑप्शन पे जाते हो और सिंपल सा ये न्यू फोल्डर क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट यूज कर ढूंढना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार कोई शॉर्टकट अगर होता तो बहुत अच्छा, तो आपके माइंड में होता है कंट्रोल प्लस एन, ये प्रेस कर दो तो फिर शायद मेरे न्यू फोल्डर जो है क्रिएट हो जाते हैं। लो, मैंने टाइप कर दिया कंट्रोल प्लस एन, किसी भी तरह के न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली होता ही है गाइस कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फाइल ही ओपन होता है कंट्रोल प्लस एन से, ठीक है, न्यू फाइल ओपन होता है। लेकिन अगर आप कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको लिए टाइप करना, उसके लिए आपको टाइप करना है कंट्रोल शिफ्ट एन, और डेफिनेटली आपके जो न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। एक्चुअली आप यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, मतलब क्लिक करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, देख रहे हो न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये प्रॉब्लम होता है, लाइक सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कर्सर को क्लिक ही नहीं करा, तो उसके लिए पहले से सबसे पहले आपको कर्सर को डेस्कटॉप पे लाना है, जैसे कि मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद सिंपल से आपको टाइप करना है कंट्रोल शिफ्ट एन, देख रहे हो न्यू फोल्डर, जितनी बार टाइप करूँगा उतनी बार न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये तरीका है, देख सकते हो, मतलब एक और बार टाइप करके ये दिखा दे रहा हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट एन, देख रहे हो। तो ये प्रोसेस था और ऐसे ही कमाल कमाल के और भी टिप्स है मेरे पास, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी मैंने आपका हेल्प करा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।